नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक आया है AOC का मॉनिटर जो कि नो पावर की कंडीशन में है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, मैं यहाँ पे लगाया और यहाँ पे सीरीज पे मैं जब इसे ऑन कर रहा हूँ तो बल्ब भी यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा और यहाँ पे कोई बटन भी काम नहीं कर रहा है। वो दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए पहले, ठीक है, सीरीज पे लगाया है बट सीरीज इसका लाइट ग्लो नहीं हुआ। और मल्टीमीटर से भी एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, अभी बता रहा हूँ, देख लीजिए। एसी करंट को चेक करने के लिए इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, सॉरी नहीं दिखा आपको, ये देखिए। तो इसका मतलब पावर कॉर्ड इसका ओके है बट इसमें नो पावर की कंडीशन में है ये मॉनिटर, और हम इसे रिपेयर करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, आइए इसे खोलते हैं। ये अभी अभी आया है, मतलब कल रात को आया था तो मैंने रखा था, अभी ऑफिस स्टार्ट किया तो मैंने सोचा पहला वीडियो इसी पे हो जाए। बहुत टाइट है, ठीक है, मैंने भी नाखून काटे हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा खोलने में तकलीफ हो रही है। ये सब चीज़ें बहुत सावधानी से करनी होती है, ठीक है, हालांकि खोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है, बट क्योंकि काफ़ी ये टाइट था और खोल नहीं रहा था तो मैंने स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे खोला है। यहाँ पे भी लॉक हो, पता नहीं, ऐसे तो नहीं दिख रहा है लॉक कोई भी इसका। ठीक है, अभी ये खुल गया और पता नहीं, देखो ना, देखो ना उधर ही हुआ, बिल्ली पिया दूध, ठीक है, और इसे भी खोल लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो चुका है हमारा, इसके बाद हम इसे और उठाएंगे और यहाँ पे भी है ये, और अब इसे भी निकालना होगा। चलेगा, एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ये पूरा अभी निकाल लेते हैं इसे, ठीक है, यहाँ से भी इसे हटा ले, निकाल लेते हैं पूरा, आ
यहाँ से ये आ जाएगा और स्क्रीन को एक साइड में हटा देंगे हम। तो इसे हम खोलेंगे, पूरा ओपन करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हो पूरा जला हुआ है। सॉरी, फोन आ रहे हैं चिराग भाई के, मेरा नहीं है। तो अभी से हम खोलेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या उड़ा है कुछ बोल नहीं सकते, कंफर्म नहीं। देख सकते हो यहाँ पे जला हुआ है पूरा। सॉरी, थोड़ी सी रोशनी मुझे पता है कम है, मैं कोशिश करूँगा कि और रोशनी आपको दे सकूँ। ये लैंप मेरा ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा है मेरे लिए। ठीक है, अभी प्लायर से मैं ये भी खोलना हो पड़ेगा। ठीक है, इसे अब हम पूरा निकालेंगे एक बार। तो आप देख सकते हो क्या कंडीशन में। अब इसे भी हम पूरा साइड में हटा देंगे पहले। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया। और सबसे पहले इसके बड़े वाले कंपोनेंट पे इसका वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि अगर इसमें वोल्टेज रहा तो आपको करंट जोर से लगेगा। और ये शायद आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने अभी इसे हटा दिया है। और हम चेक कर रहे थे सबसे पहले इसके बड़े कैपेसिटर पे इसकी वैल्यू। तो फिलहाल तो कोई वैल्यू नहीं दे रही है, शो नहीं कर रहा है इस पर। चलेगा तो एक बार देख लेते हैं, कोई शॉर्टिंग वगैरह मतलब कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर स्टेप बाय स्टेप, इसको भी पहले डिस्कनेक्ट कर दे रहा हूँ भाई। और इसके भी इन यहाँ पे भी साफ करेंगे पूरा, इसे क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, उसके बाद ही हम इस पर पूरा फिटिंग और इंस्टॉलेशन करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं पहले क्या। अभी पावर सप्लाई रिपेयरिंग में भी बहुत से स्टेप्स मैंने बताया आपको। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज़ को पहले। तो ये जो लाइन बॉर्डर दिख रहा है इस तरीके से, ये इसका प्राइमरी सेक्शन है, ठीक है। इतना ये प्राइमरी में आ गया। और इसके और यहाँ से कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ पे भी बॉर्डर दिया हुआ है पूरा। ये पूरा इसका प्राइमरी हो गया, ठीक है। ये पूरा, ये देख सकते हो पूरा गोल, ये इसका प्राइमरी हो गया। बाकी ये सारे सेकेंडरी में आ गए। प्राइमरी में सबसे पहले हमको फ्यूज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूज इसका चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे और इस तरीके से रखिए। बीप साउंड नहीं आया, इसका मतलब है आपका फ्यूज खराब है, मतलब और सप्लाई का फ्यूज खराब है। यहाँ पे फ्यूज का देखिए सिंबल आ दिया हुआ, देखिए यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, आपको शायद नहीं दिखेगा, बहुत छोटा है, बट यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक कंपोनेंट भी फ्यूज है, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाया है इन सबके ऊपर, टेस्ट कैसे करना होता है, ठीक है। अब ये होता है थर्मिस्टर, इसे NTC भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस पर बीप साउंड आना चाहिए, ठीक है, इस पर बीप साउंड आ रहा है। ये बड़े कैपेसिटर होते हैं मोस्टली, ये जब जल विल जाते हैं तभी चेंज होते हैं, डब्बा बोलते हैं इसको। वैसा काम भी करता है, अच्छा करता है, सॉरी। मतलब 620 किलो ओम का रजिस्टर है ये, तीन 620 किलो ओम का मतलब ओम का रजिस्टर, मतलब
200 किलो ओम से 620 मतलब 620 किलो ओम का सर, नहीं बराबर ऊपर ही जाएगा, सॉरी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम रख के चेक करेंगे वैल्यू, ठीक है 600 के समथिंग आ रहा है। अगर हम इसे यहाँ से निकाल के चेक करेंगे तो प्रॉपर वैल्यू आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड पे लगा रहेगा तो वैल्यू उसकी बराबर से नहीं आएगी, ठीक है सर आपको नहीं दिख रहा है पता नहीं, मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, ठीक है अभी शायद दिखेगा यहाँ से वहाँ से। और मैं इसे थोड़ा सा अपनी तरफ करूँगा और ताकि मैं उसे थोड़ा क्लोजली देख सकूँ। अब ध्यान दीजिएगा मल्टीमीटर पे भी, ठीक है। उसके बाद है इस कॉइल को चेक करने के लिए, मैंने कॉइल को भी बताया कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। अगर सिंबल दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये देखिए एल लिखा हुआ है कॉइल, तो इससे सामने सामने चेक करने पे बीप साउंड आना चाहिए। मल्टीमीटर को आप बजर मोड पे रखिए, ठीक है बीप साउंड आना चाहिए। इन केस कभी ऐसा हुआ कि आपका कॉइल खराब है, ठीक है, तो उसको निकाल के फेंक दीजिए, सामने सामने जंपर मार दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे ब्रिज डायोड, तो ऑलरेडी ये तो जला हुआ दिख रहा है तो हमको तो ये चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। भले शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, मतलब वर्किंग दिखा रहा है, बट हमको ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा जला हुआ है। उसके बाद कैपेसिटर की हालत बहुत खराब है, काफ़ी खराब है, ठीक है, हमको इसे निकालना पड़ेगा, जहाँ तक है चेंज कर देंगे इसे भी हम। फिर ये है रजिस्टर है, कितने ओम्स का लगा सर, 0 ओम्स का है, 0.47 ओम का रजिस्टर है, मैं दिखा देता आपको, ठीक है। तो ये 0.47 ओम का रजिस्टर है। उसके बाद आता है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉइल लगा हुआ है, ये भी कॉइल है, काफ़ी गंदा हुआ है, ब्रश से भी साफ नहीं किया है मैंने, ठीक है ये कॉइल है। इसके बाद ये डायोड है, रिचार्ज किया। इसके बाद 22 ओम का रजिस्टर है ये। अरे तो कल रात को 12 बजे किधर तुमसे पैसा मांगता मैं, ठीक है आ रहा है 21.4, मतलब रजिस्टर भी ओके है, चालू है लाइट। ऑक्टोकॉपलर के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इसका अगर ध्यान से हम देखेंगे, आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा मतलब जला टाइप रहता है वैसा, रेड चालू है। तो हालांकि इसकी लेग वगैरह सारे बराबर दिख रहे हैं, ओके दिख रहा है, मेरे यहाँ से भी लाइन जा रहा है। तो क्या करेंगे उसको बाद में ऑप्शन पे लेंगे, इनके साथ जैसे काम नहीं हुआ तब। एक बार चालू कर दे, ठीक है। ये वो यहाँ पे भी एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू है 10 किलो ओम का रजिस्टर है, तो हम 20 पे सेट करेंगे इसे। ये SMD रजिस्टर 10 किलो ओम का 103 लिखा है, तो 2.47 दिखा रहा है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहे थोड़े। और इसके बाद ये भी रजिस्टर एक है, ये डायोड है, जीना डायोड इसे बोलते हैं। ये जीना डायोड क्या खराब है, सॉरी एक बार ये जीना डायोड मुझे निकाल के चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस पर भी बीप साउंड आ रहा है, और हालांकि खराब तो नहीं होते जल्दी, बट ठीक है। ठीक है ये चालू है। उसके बाद है अभी बहुत से चीज़ें हैं इसमें, ये फ्यूज़ है, फ्यूज़ को भी चेक करेंगे, यहाँ का फ्यूज़ ओके है। उसके बाद इसे भी चेक कर लेंगे, इसमें ज़्यादा चेक करना नहीं जैसा नहीं है सेकेंडरी में, ठीक है। और एक चीज़, जो इस टाइप के जो चपटे कैपेसिटर होते हैं ये वाले, ये तो अलग होते हैं, तो फुल जाते हैं दिख तो खराब दिखते हैं, ये बहुत बार खराब होते हैं, बीप साउंड आते हैं, ठीक है। तो इनको चेक करना है खास करके,
और ये मालूम नहीं पड़ते खराब हो, या तो ये हीट होंगे या तो ये खराब हो जाएंगे। ये ड्यूल लाइट होता है सेकेंडरी का, सेम वैल्यू आनी चाहिए दोनों तरफ 191 191। तो ये ओके है। उसके बाद ये यहाँ पे रजिस्टर है, 680 ओम का रजिस्टर है। अब ये है, दोनों सेम वैल्यू है, 680 ओम 680 ओम की रजिस्टर है। तो 680 मतलब हम लोग 200 के ऊपर हुआ तो 2 किलो पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी बराबर है, ये देखिए ये भी जीना डायोड है, तो इसे भी हम चेक कर लेंगे, ओके है। ये कॉइल है, ठीक है, कॉइल है। बहुत जन डायोड में और कॉइल में कभी कभी कंफ्यूज होते हैं ऐसे। तो डायोड में देखिए इस तरीके का लाइन रहता है आगे छोटा सा, और कॉइल पूरा ब्लैक रहता है, ठीक है। उसके बाद और कुछ चेक करने जैसे तो है नहीं। पहला काम हमें करना होगा क्या, और ये भी देखना होगा कि जंग जहाँ पर जहाँ पे लगा है उसे भी खोल खोल के साफ करना होगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं दिखा दूँ, हालांकि इसमें टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए पहले मैं आपको सिर्फ थोड़ा बहुत करके दिखाऊंगा, उसके बाद बता दूंगा क्या क्या किया है सर। ऐसा नहीं है, 2 मिनट रुक जाए। देखिए एग्जाम्पल में मैं बताऊँ, देखिए यहाँ पे एक जंग लगे हुए, ठीक है, इस पर भी जंग लगे हैं पूरे, तो इसे खोल के मुझे साफ करना होगा। और एक जम्पर है, हालांकि इस पर तो ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, ठीक है, बाकी यहाँ तक ओके है सब। उसके बाद हमें बड़े कैपेसिटर को तो चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसकी लेग मुझे ख़राब दिख रही है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं इसे चेंज नहीं करूँगा तो ये काम भी नहीं करेगा, तो इसलिए मुझे ये चेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद ब्रिज डायोड तो चेंज करना है, 100% हो गया, और एक फ्यूज पे जम्पर मारना है, ठीक है। तो इतना चीज़ पहले हम कर लेते हैं। आयरन यहाँ रख लेते, ये मैंने अभी नया आयरन लिया 35 वोट का लिया, क्योंकि इस बार थोड़ा यहाँ पे सब प्रॉब्लम हो रहा है, जो 25 वोल्ट है बराबर शोल्डर नहीं हो रहा उससे, ठीक है, क्योंकि हालांकि है तो मतलब इधर का ही। अभी भी हिट नहीं हुआ बराबर से, और थोड़ा रखना होगा गरम, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हो गया अच्छे से, काफी गरम। और अब हम यहाँ पे थोड़ा ड्राइव शोल्डर करेंगे। सॉरी, मैं हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसे मैं काम करने के लिए जम नहीं रहा इस तरीके से। थर्टी फाइव वोल्ट का आयरन मुझे थोड़ा इसलिए अच्छा लगता है, फटाक से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और 25 वोल्ट के आयरन में थोड़ा बोर्ड से कंपोनेंट भी नहीं निकलते जल्दी, और खास करके तो अगर मदरबोर्ड के कंपोनेंट हो जाए तो और प्रॉब्लम देता है। पर ये अगर ज़्यादा देर तक आप ऐसे नॉर्मल ट्रैक पे रखेंगे इस तरह के पावर सप्लाई पे, तो ट्रैक जला देगा, उखाड़ देगा, ठीक है, तो ज़्यादा झेल नहीं पाता हूँ। ट्रैक जल गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर काम नहीं होता, होता है उस पर। ट्रिक होता है ट्रैक को जम्पर मारने का ट्रिक, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सब सीख जाएंगे, और मैंने उस पर वीडियो बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका ट्रैक खराब हो गया, जल गया है तो क्या करना है, अगर आप वीडियो ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको सब समझेगा, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बनाया अच्छे खासा से, और एक बार नहीं बहुत से वीडियो बनाए हैं। ठीक है,
और एक बार अब मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इसे। ठीक है, तो फिर बीप साउंड आने लगा। और अब हमें को करना क्या है, ब्रिज डायोड को निकालना है। ब्रिज डायोड की कंडीशन देख रहे आप, हो सकता है इसमें ट्रैक जला है, तो हो सकता है इसको अगर जंपर मारना पड़े मुझे, तो ये चीज भी सीखने पे वो मिल जाएगा आपको इसमें। ठीक है, मुझे थोड़ा क्रॉस में बैठ के ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से तो मैं खुद भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं खुद थोड़ा इस तरीके से बैठ रहा हूँ ताकि आपको समझे अच्छे से, दिख सके। पहले पंप की मदद से साफ करेंगे इसे। ये पंप मेरा खराब हो गया है, हवा नहीं खींच रहा वाला। ठीक है, ये पंप खराब है, बराबर से हवा खींच नहीं रहा, नया पंप लेना होगा मुझे। इतना आसानी से निकलता नहीं है सर, बहुत जल्द सोचते रहेंगे ऐसा हो जाता है ऐसा हो जाता है, तो हालांकि अभी जोर से चटका बैठा मुझे देख सकते हो। ठीक है, चटके भी खाने पड़ते हैं, ये सब कितना आसान होता नहीं है। ठीक है, बहुतों को लगता है आसान होता है, तो बहुत टफ होता है निकालना है सब कंपोनेंट। खास करके तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें ट्रैक ना जल जाए, ऑलरेडी जली गई है, बट और नुकसान ना हो। तो अभी निकला है इतना मशक्कत करने के बाद, और इसके चक्कर में मैं दो बार जल चुका हूँ। ठीक, तो ये होते रहते इस तरीके के काम में, ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किलें होते हैं ये सब, और खास करके जब जले हुए और जंग लगे हुए होते नहीं। हालांकि वर्किंग दिखा रहा है, बट हमें इसे चेंज करना ही पड़ेगा ब्रिज डायोड को। ठीक है, तो हम इसमें दूसरा डायोड लगाएंगे। अब ब्रिज डायोड लगाते समय भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे से ट्रैक इसका निकलेगा। ये एक ब्रिज डायोड मैंने लिया, ठीक है, देख सकते हो सेम साइज का है। ठीक है, साइज सेम है, और इसे अब हम एक बार चेक कर लेंगे। बराबर है ये,
और एक बार हम पहले ट्रैक को भी थोड़ा समझ लेता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे समझा तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि फिलहाल किधर से ट्रैक कौन सा कहाँ पे जा रहा है। तो मल्टीमीटर को देखे, सिंपली बजर मोड पे रखे और इस तरीके से चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ पे बीप साउंड आता है, मतलब कोई ट्रैक है क्या जो मिल रहा है एक दूसरे से। ये ठीक है, ये यहाँ ज्वाइन हो रहा है, फिर ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे होते हुए यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, कैपेसिटर तक लाइन बची है। और ये ठीक है, तो देखिए ये ट्रैक ऊपर का यहाँ से जुड़ा हुआ है, पूरा यहाँ तक जाता ही है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैक यहाँ पे जुड़ा है कॉइल पे, और ये ट्रैक इसके दूसरे पॉइंट कॉइल के, और ये जो ट्रैक है ये इसके बड़े कैपेसिटर पे जा रहा है, हालांकि यहाँ पे है ग्राउंड पे, तो हमें इसे भी निकालना होगा, ठीक है, हमको इसे भी निकालना पड़ेगा। तो भाई डिस्टर्ब मत करो मुझे, यहाँ पे पहले शोल्डर करेंगे इसे निकालने। ठीक है, ये हो चुका है, और अब माइनस ले लेंगे माइनस, और इसे ऊपर से उस तरीके देंगे उठा, ठीक है, और उसके टांग की खराब तो मुझे खराब ही दिख रही हालत, एक बार ट्वीजर की मदद से हम इसे कर लेते हैं, देख लेते हैं काम चल जाए, अच्छी बात है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि काम चलने जैसा दिख रहा है, मेरा वीडियो हो सकता है देखो अभी अटक रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, स्टॉप है बार बार, तो अगर हुआ तो मुझे इसे एक्स्ट्रा वीडियो एक बनाना पड़ेगा, मतलब पार्ट टू नहीं, मतलब ऐड कर एडिट करके ही करूँगा, थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो इसे हम जैसे निकाले थे वैसे वापस से लगा देंगे, ठीक है, इसको प्लस माइनस देख के ध्यान से, पे कंफ्यूजन होता है बहुत जन को, प्लस कौन सा माइनस कौन सा, वीडियो गाइस बना बड़ा बन रहा है, और बड़ा बनने का रीजन ये है कि इसमें एक एक चीज को मैं जो दिखाना पड़ रहा है, ठीक है, और बहुत से लोग हैं ये जो यकीन नहीं मानते कि भाई तुम एडिट करते हो, मतलब यहाँ वहाँ करते हो, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा जमता नहीं है इतना मेहनत करने बाद जब अगर कोई अपने को ऐसा बोले तो। और अब मैं इसे शोल्डर करूँगा यहाँ से, ठीक है, ये हो गया, और अब ब्रिज डायोड लगा दूंगा जैसा निकाला वैसा। अब यहाँ पे आपको सावधानी देनी होगी, सब होने के बाद ट्रैक चेक करना होता है वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है, ये हो चुका,
ठीक है, तो ये हुआ। और अब हम एक बात चेक करेंगे, वर्क कर रहा है इसका या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, बराबर से आ रहा है, यहाँ से चल रहा है, ये भी चल रहा है। इसका मतलब ये पूरा काम कर रहा है, अच्छे से काम करेगा। अब एक बार हमें इस पे इसकी वैल्यू चेक करनी होगी। वैल्यू चेक करने के पहले मुझे इन दोनों कंपोनेंट को भी निकाल के थोड़ा क्लीन करके लगाना होगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं कर लेता हूँ ये काम। तो गाइस अभी ये मैंने पूरा कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे शोल्डर को इसे निकाल के क्लीन किया पूरा, फिर यहाँ पे निकाल लिया, फिर यहाँ पे जो जीने डायोड का मैंने बोला था एक बार डाउट हो रहा था मुझे, तो ये भी मैंने निकाला, क्लीन किया, बट वो वर्किंग है, मतलब चालू है। वहाँ पे जगह पे ही बीप साउंड आ रहा है ओनली, वो शायद कॉइल से है इसीलिए। कॉइल पे बराबर है, ट्रैक से अटैच है इसीलिए हो रहा है ऐसा। तो एक बार हम इस पे वैल्यू चेक करेंगे इस पे सारे, ठीक है। 12.5 जो हमारा मेन मकसद होता है कैपेसिटर में, 12.5 या उसके आसपास भी आया तो ठीक है। पहले हम इन सबको चेक करेंगे, तब मार्किंग कर लेते हैं। हालांकि मार्कर तो इतना काम नहीं कर रहा अच्छे से, पर ये समझ जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद ये कैपेसिटर है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे किया मैंने टिक मार्क। उसके बाद हो गया, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। इतना गोल कर रहा हूँ कि ताकि मुझे समझ जाए। उसके बाद ये कैपेसिटर है, मतलब यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे है। थोड़ा मुझे इस जगह को आईपी से क्लीन करना पड़ेगा, मैं आईपी से क्लीन कर लेता हूँ उसे, सॉरी गाइस। तो चलिए अब हम एक बार चेक करेंगे इसे। और पावर सप्लाई को हालांकि मैंने सारे कंपोनेंट मार्किंग तो कर दिए हैं, बस ये सब टेस्ट करना है और चेक करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे अभी फिर भी डाउट है, बट चेक करेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। सबसे पहले काम तो मल्टीमीटर को हमें एसी 600 पे सेट करना होगा, और ये बंद है अभी, चालू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इसे इस तरीके से रखिएगा, और मैं भी थोड़ा क्रॉस में बैठता हूँ, चेक करने के लिए इजी पड़ेगा मुझे और आपको बताने में भी। और एक बार इसे ऑन करके देखेंगे, ठीक है। तो इस पर पावर आया है, एक बार वैल्यू चेक करेंगे सबकी, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू आ रही है, अब हम इसके आगे जाएंगे कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे हमने कहीं तो मार्किंग किया हुआ था, यही होता है, एंड टाइम पे दिखता नहीं है। अब हम 200 पे सेट करते हैं और यहाँ के कैपेसिटर पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट आने लगा, और कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे 18 वोल्ट भी आ रहा है। यहाँ पे भी कोई तो कैपेसिटर था, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमको, जो वोल्ट चाहिए था मिल रहा है। यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, और ये 19 वोल्ट है, चलेगा, हमारा चालू हो चुका है। एक बार मैं यहाँ पे भी देख लूँ कहाँ पे था वो, तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा चालू हो चुका है पावर सप्लाई, ठीक है, वर्किंग करेगा, उम्मीद है, कोशिश है कि अच्छी है, ये चालू हो जाए, काम हो जाए। तब हम एक बार इसे, इस पर हाथ डालने के पहले इस पर कैपेसिटर पे वैल्यू चेक कीजिए, देख सकते हो आप। अभी तक हाथ डाले तो जला देता था, होल कर देता था हाथ में, तो इसे हम पूरा निकलने देंगे, ठीक है। हालांकि आप
फ्यूज बल्ब लेके ऐसे शॉर्ट करके खत्म कर सकते हैं, बट मेरा बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है और बार बार निकालना और फिट करना मुझे सही नहीं लगता। तो ठीक है, तो मैं 2 मिनट रुक जाइए आप, मैं इसे 2 मिनट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो चुका ही है। और इसके बाद मुझे इसके लॉजिक बोर्ड इसमें अटैच करना पड़ेगा और देख सकते हो ये हो चुका पूरा, काफ़ी अच्छे से हुआ। ठीक है, तो एक बार हम इसके लॉजिक बोर्ड को पूरा इसमें फिटिंग अच्छे से लगा देंगे। ठीक है, ये होने के बाद हम इसे बोर्ड पे अटैच करेंगे। और ये लॉजिक बोर्ड ठीक है, ये यहाँ पे था, ये ठीक है, कुछ इस तरीके से था यहाँ पे। केबल को थोड़ा अच्छे से साफ कर लेंगे, हालांकि वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, 36 मिनट हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, आप भी जब काम करेंगे तब आपको भी मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली टाइम लगता है सब में, क्योंकि बहुत जन मुझे बोल रहे हैं कि खाली एक चीज़ करने के लिए इतना टाइम, एक चीज़ करने के लिए, तो भाई बोलना, बताना और समझाना सब करना पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं इसे बोर्ड पे फिटिंग करूँगा, मतलब पहले तो मैं इस पर फिटिंग कर लूँगा, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। सॉरी गाइस, फोन आ गया था और मैंने इसे फिट किया, ठीक है, हालांकि चेक नहीं किया अभी तक, तो कोई बात नहीं, हम इसे चेक करेंगे, बट अभी पहले इसे पूरा साफ करेंगे और अच्छे से हटा देंगे इस जगह को। फोन आते तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, और ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, मैं हटा रहा हूँ। और एक चीज इसे तो ऊपर लगाना होगा ताकि ये शॉर्ट ना हो, ठीक है, और भोले का नाम लेते रहिए। हालांकि मैं गाना लगा सकता हूँ, बट YouTube ऐसे ही पैसे नहीं दे रहा, उसमें भी जो देगा उसमें भी उसमें घुमा देगा, तो हाथ में चवन्नी भी नहीं आनी है। चलिए मैं इसे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी लग रहा है मुझे, तो सब ब्रश लेके इस तरीके से इधर साफ कर लीजिए। हालांकि मुझे नहीं लगता इसके पहले खोला होगा, शायद खोलने की कोशिश की किसी ने, पर शायद नहीं हुआ था, या जो भी था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब भी खोला तो पूरा पैक था अच्छे से, कोई छेड़खानी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो अच्छा लगता है फ्रेश बोर्ड पे काम करना है, देख सकते हो। सॉरी मैंने ये साफ नहीं किया, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पर, मैं आता हूँ साफ करके। तो ये हो चुका है, और ये जब चिपक नहीं रहा है, मतलब भाव खा रहा है, तो कोई बात नहीं। हम इसे लगा देंगे कुछ इस तरीके से, इसकी सेटअप करेंगे, ठीक है। और इसे केबल को अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। केबल को बहुत ही अच्छे से बैठाना है, क्योंकि अगर आपने केबल अच्छे से नहीं बैठा तो प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद अब इस पर एक पावर कॉर्ड लगाएंगे और अब चेक करेंगे, देख सकते हो लाइट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जय शंभू, चालू हो जा मॉनिटर। चलिए अब मैं ऑन कर लेता हूँ इसे, ऑन करता हूँ, सॉरी प्लास्टिक है ना, हाँ है, चलिए देख लेते हैं। पावर आ चुका है, डिस्प्ले आ गया है, डंका चिक्का डंका चिक्का। तो चलिए मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ और इसे पूरा पैक करता हूँ, या आपको ऐसे दिखा दूँ एक बार, फिर मैं पैक कर दूंगा, तो मैं दिखा दूँ, ये देखिए मैं भी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पावर आ गया, और अब डिस्प्ले देखिए, ठीक है, ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है और एक मॉनिटर चालू हो चुका है। और वीडियो बड़ा और बड़ा के कुछ फ़ायदा है नहीं, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए रिपेयरिंग में, इस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट्स करते रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।